लोक जनशक्ति पार्टी, पारस गुट और चिराग गुट के बीच अदावत बढ़ती ही जा रही है। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजियों के बाद अब धमकी भी देने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी और पारस गुट के नेता केशव सिंह बुधवार को पटना के शास्त्री नगर थाना पहुंचे और चिराग पासवान और उनके गुट के प्रवक्ताओं पर नामजद FIR दर्ज करवा दी। केशव सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसी वजह से उन्होंने मजबूर होकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आपको बता दें, केशव सिंह ने अपनी बात बताते हुए कहा कि मेरे फ़ोन पर बुधवार को 11:16 पर 9006954678 से फ़ोन आया। इस नंबर से लगातार 6 बार कॉल आया है। फ़ोन उठाने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा गया कि तुम बहुत बड़ा हीरो बनते हो, चिराग पासवान के खिलाफ बयान देते हो, पशुपति कुमार पारस का कार्यक्रम सफल कराते हो, तुमको जान से मार दूंगा। केशव सिंह ने कहा कि 23 अगस्त को पटना एयरपोर्ट पर उनके दो प्रवक्ता बैठकर देख रहे थे, पशुपति कुमार कार्यक्रम का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके दो प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू और चंदन सिंह कर रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान और उनके गुट के लोगों की मेरी हत्या कराना चाहते हैं। इतना ही नहीं, केशव ने यह भी कहा कि इसके पहले भी इनके प्रवक्ता अमर आज़ाद ने हमें धमकी दी थी, जिसका किशनगंज नगर थाना में मामला दर्ज है। उसके बाद भी चिराग पासवान ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपराधियों को प्रश्रय दिया है, नक्सलियों से उनका संबंध है। 2014 में चुनाव जीतने के लिए अपने हमनाम नक्सली से मदद किए थे। उनका इतिहास रहा है कि उनका अपराधियों से संबंध रहा है। पारस गुट के महासचिव केशव सिंह ने पुलिस में जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।